समाधान नहीं होगा तो उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भारतीय किसान यूनियन की लड़ाई दिखाए जाएंगे मुख्यमंत्री को, और हमने पहले भी दिखाए और बात मनवाई। काम नहीं कर रही सरकार कोई तो खाली ने हर का पानी दे दू खेती करके देख लो क्या होगा। अध्यक्ष ये कहता हो कि भैया किसानों में दम नहीं है तो क्या है कि यूनियन वो एक काम बता दो सरकार। वो कह रहे नहर लिया है सांसद जी कौन द्वार में उत्तराखंड में नहर लिया है नई नहर कौन सी नहर इकबालपुर नागल परियोजना क्या होगा 500 रुपए। और जिस तरीके से विधायकों ने अपनी आमदनी और तनख्वाह बढ़ाई उसी हिसाब से हमारे 6,000 की जगह 50,000 करे जा। लेकिन नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मैं अभी फिलहाल जो हूँ रुड़की जो एडमिनिस्ट्रेटर आवास के बाहर हूँ जो कि SDM चौक खिलाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी हैं और उन्होंने आज यहाँ पर महापंचायत रखी है। और आप यहाँ पर देखते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काफ़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली जो किसान लेकर यहाँ महापंचायत पहुँचे हैं और सरकार और प्रशासन को जगाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आपको बता दें उनकी लगातार 10 सितंबर से मांगे चली आ रही है बिजली के जो मीटर है उनको जो नया लेके आ रहे हैं स्मार्ट मीटर वो नहीं लगने चाहिए और जो पुलिस के द्वारा CPO के द्वारा चलान काटे जा रहे हैं इस तरह की कुछ उनकी मांगे हैं। हमारे साथ तो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष टिकैत यूनियन के शास्त्री विजय शास्त्री जी उनसे बात करेंगे। आज ये महापंचायत चल रही है कोई इसमें आपका गेस्ट पहुंचा है यहाँ पे या आप इसको संचालन कर रहे हैं? देखिए संचालन तो इसका जनपद हरिद्वार और पूरे उत्तराखंड के किसान कर रहे हैं। ये जो हमारा पिछली 10 तारीख तक SC कार्यालय पर धरना चला गया स्मार्ट मीटर और पुलिस के 10,000 के 20,000 के चालान गन्ने का मूल्य 500 रुपये और जिस तरीके से विधायकों ने अपनी आमदनी और तनख्वाह बढ़ाई उसी हिसाब से हमारे 6,000 की जगह 50,000 करे जा। लेकिन आज तक का शासन प्रशासन किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा। आज ही हमें महापंचायत करनी पड़ी। अगर आज भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो अगले फिर हमारी चढ़ाई देहरादून में होगी, देहरादून में जवाब लिया जाएगा। अच्छा इससे पहले भी गौरव टिकैत जी यहाँ पर आए थे पिछले साल की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस तरह की मांगों को लेकर कहा था मुख्यमंत्री और उसका घेराव होगा संयुक्त किसान मोर्चा सब जाएंगे इसमें कोई संगठन अलग अलग भी होंगे किसान सबको साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन बार बार हर साल यही मुद्दे आप उठाते हैं लेकिन सरकारें और ध्यान नहीं देती, क्यों नहीं देती, क्या कारण है? भाई ये सरकार देश में पूंजीपतियों की उद्योगपतियों की सरकार है। अगर ये किसानों की मजदूरों की आम जनता की सरकार होती तो ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो उद्योगपतियों को सारा देश बेचने का ठेका इन्होंने ले लिया। अच्छा। सारा देश उद्योगपतियों को बेच दिया, अपनी आमदनी और भत्ते बढ़ा लिए, इसीलिए मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा। और यहाँ अगर समाधान नहीं होगा तो उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान भारतीय किसान यूनियन प्रशासन से अगर कोई संतोषजनक आश्वासन ना मिला तो यहीं डट जाएंगे। सच है क्या? जो कह दिया वो ठीक है, जो कह दिया कह दो। हम अभी यहाँ तो BT गंज में होते हैं, रामपुरा जुलूस का ठेगा रोड की। अच्छा हाँ फ्लैग मार्च होगा आज पूरा? फ्लैग मार्च होगा अगर कोई बात नहीं होती तो पूरा। अच्छा वो ऐलान कर दिया तो आज उठना नहीं है मतलब? भाई फिर अब जो भी कुछ सलाह होगी काम होगा जिंदा। मैंने ये तो पूछा कि ये सेटिंग हो जाती है कि प्रशासन के किसानों की यहाँ पर बैठ के धरना देंगे, अभी कलेक्टर साहब आएंगे आप उठ जाएंगे ज्ञापन देने के बाद? कोई सेटिंग नहीं होती है, देख रहे आप सेटिंग हो रही है, टक्कर मारी जा रही है। अच्छा ये लूट कर यही सेटिंग हो रही है? तो ये मतलब तो अभी आपकी जो मांगे हैं आप लगातार हर साल आते हैं, हर साल इतने किसान इकट्ठे होकर यहाँ पर बैठते हैं तो उसको लेकर आश्वासन भी मिलता है लेकिन कोई काम नहीं होता, क्या कारण है? कुछ काम होते भी ऐसी बातें करने का, कोई रेट बढ़ा। अच्छा तो अभी बिजली का अभी वो हटाया इन्होंने, कुछ काम होते भी ऐसा नहीं होते। जन होंगे सरकार बदलेंगे, सरकार बदलेंगे सरकार कैसे बदलेंगे आप? वोट तो वो कह रहे हैं वोट तो अपनी मर्जी से दी जाती है, किसी को कह रहे क्यों? छह मत क्या सीट रह गया, आठ मत नहीं है तो किसानों का फर्क पड़ा गया? BJP की कितनी सीट रह गया? BJP जो पूरे देश में कम हुई है तो उसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से? किसान आगे भी बदली तो नहीं सरकार? क्यों नहीं सरकार तो नहीं बदली गई? तो धीरे धीरे सरकार कह रही है अब तो काम कर रहे हैं किसानों के लिए हित में, तभी सरकार किसानों में वोट दे रही है। बात करवा दो कहाँ कर रही सरकार? वो कह रहे हैं नहर लिया है। नहर बता दो, एक काम बता दो सरकार। वो कह रहे नहर लिया है सांसद जी कौन द्वार में उत्तराखंड में नहर लिया है, नई नहर कौन सी नहर? इकबालपुर नागल परियोजना। उसका क्या होगा? तो नहर में किसानों को फायदा मिलेगा सिंचाई के लिए? रेट कहाँ था बढ़ेगा, नहर का पानी तो अभी चल रहा है, जब रेट नहीं मिलने का तो कैसे काम चलेगा? तो काम नहीं कर रही सरकार कोई तो खाली नहर का पानी दे दू खेती करके देख लो क्या होगा उसका? कुछ नहीं होना, उचित मूल्य नहीं। सरकार की योजना खराब है यानी कि आपकी नजर में? बताओ तो किसान उनका जाके स्वागत कर रहे सम्मान कर रहे वो खराब हो गए? वो तो सेटिंग वाले उनके, वो सेटिंग वाले। आप एक वार्ता करा तो सरकार आप और हम बैठ लो, एक बात बता के एक काम करवा तो क्या करा? अच्छा कोई काम नहीं। इस समय हमारे साथ पदम सिंह भाटी जी है, भी किसान नेता है। इनसे पहले आपको बता दें टिकैत जो यूनियन है किसानों की उससे पहले अंबावत यूनियन में थे, ऋषिपाल अंबावत की यूनियन जो किसानों की सुनी होगी उसमें पदाधिकारी थे। क्यों छोड़ दी वाली किसानों की यूनियन? भैया किसानों की
अब किसानों की यूनियन क्यों छोड़ दी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कहता हो कि भैया किसानों में दम नहीं है तो क्या है कि यूनियन वो। अच्छा कौन बोला है? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला और कौन बोल रहा, मैं बोलूंगा नहीं, कौन ऋषिपाल अंबावत। अच्छा अभी मैंने इकबालपुर शुगर मिल में धरना दिया, 400 करोड़ रुपए बकाया था किसानों का। हाँ। जब मैंने धरना दे दिया, धरना लगने के 20 दिन बाद मुझे कहना धरना उठा ले। अच्छा। मैडम से बात होगी, मैं क्या बात होगी मैडम से? अच्छा। बात तो किसानों की करो ना, हमने धरना दिया किसान के लिए। धरना दिया आपने, बात कर ली उन्होंने? भैया किसान का जब तक एक एक पैसा भुगतान नहीं हुआ था हम धरने से नहीं उठे थे, 39 दिन धरना दिया। आपकी मैडम की किससे बात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब की? हम बहुत बात कर रहे हैं, कोई बात करे, लेकिन मैं लड़ाई लड़ता हूँ किसान की। मेरी बात हुई मैडम से, मैंने कहा धरना नहीं उठेगा जब तक किसान का पैसा नहीं होगा। और पैसा लिया और अभी 109 करोड़ रुपए किसान का पैसा दिया था उसमें धरना देने के बाद। धरना देने के बाद हमने टोटल किसान का लिया 300 करोड़ रुपए। अच्छा भाई किस की बात है ये? धरना दिया हमने 2021-22 में। अच्छा। ठीक है ना, 2-3 साल हो गए। तो जब से कई जो सरकारें बोल रही है हमने ऋण पे ब्याज भी दिलवाया और कई काम भी करवाए किसानों के लिए, हरीश रावत धरने बैठे, आप तो उस समय कांग्रेस में थे। अरे नहीं कांग्रेस उस समय कहाँ, राष्ट्रीय अंबावत में चले गए। अभी रुको ना। हाँ। जब इन्होंने इकबालपुर शुगर मिल ने किसान पिटे। अच्छा। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय आप किसान के रूप में बैठे थे या फिर नेता के रूप में वहाँ पर कांग्रेस? मैंने कांग्रेस छोड़कर किसान के रूप में बैठा था। अच्छा। और अंबावत में चले गए थे उस समय आप? भाई एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना किसान के से लड़ने के लिए, नहीं तो मुझे कांग्रेस ही बताते। भाई रुक जा यार, एक प्लेटफॉर्म चाहिए किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उस टाइम मुझे प्लेटफॉर्म दिखा दिया अंबावत। तो मैंने वो प्लेटफॉर्म पकड़ा, उस प्लेटफॉर्म पे बैठने के बाद बड़ी मजबूती के साथ किसान की लड़ाई लड़ी, 14 दिन में गन्ना भुगतान कराया। आप तो शुरू से किसान है, किसान को लड़ाई लड़ने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती, किसान अपने बलबूते पे चुनाव वो कह रहे कि लड़ सकता है, इतना सक्षम है किसान। आप कह रहे कि मुझे कांग्रेस या मुझे अंबावत की जरूरत पड़ी, अंबावत को छोड़ दिया फिर आपने। अरे एक किसान संगठन, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमजोर हो तो संगठन में रहने का फायदा ही नहीं है। तो अंबावत जी कमजोर है आपकी नजर में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, मजबूत है, मजबूत है। और बाकी इन्होंने जो अध्यक्ष है ये, अरे सारे लड़ तो रहे किसानों को लड़ाई, लेकिन इनके साथ किसान नहीं है। अगर आपने पार्टी छोड़ दी उनके वो कमजोर हो गए। मजबूती के साथ एक लड़ाई बता दो, हम बहुत की कौन सी लड़ाई लड़ी? वो वैसे ही आ रहे हैं यहाँ पर। एक लड़ाई बता दो ना हरिद्वार में कौन सी लड़ाई? आप जब उनकी पार्टी में गए थे जब उनकी लड़ाई लड़ी तो? मैं यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो छोड़ दी। हाँ। जब किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे मजबूती के साथ में तो पार्टी छोड़ दी। किस ज्वाइन क्यों करा था छोटी पार्टी? मैंने ज्वाइन किया था किसान का भला होगा। अच्छा बाद में देखो कुछ नहीं काम करा, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा अपने दम पर लड़ी किसान की, जो टिकैत की यूनियन है यही लड़ेगी। पहले मेरी बात सुनो पूरी, किसानों का गन्ना भुगतान दिलवाया कि जो जिन्होंने किसान पिटे थे उनको मील से बाहर निकलवाया, 14 दिन में किसानों का गन्ना भुगतान करवाया, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया डीएम से मिलकर। आज तक अगर कोई कह दे अंबावत कहते कोई और कहते किसी ने कराया, 4 मुकदमे लिखवाए मिल के खिलाफ 420 के। 37 करोड़ रुपए का रात में 12 बजे लोन करवाया। वन वोट इज अब क्यों नहीं करवा रहे, कहां में लोग धरने बैठ रहे? अभी इसलिए तो बैठे अभी होंगे, अब होगा तो यहाँ के बैठे वहां के बैठे मिल पे। अरे मिल पे है तो मामला मिल का नहीं आज यहाँ, मामले तो कई चीजों का है ना, वहां पर ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी एक नेता आया वो मिल से मिलकर सेटिंग करके हाईकोर्ट चला गया। कौन सा नेता है? है कोई नेता? नाम बता दो ना मीडिया के सामने, जब आप बिल्कुल ईमानदार स्वच्छ छवि के किसान नेता है आप डर किससे रहे हो? मीडिया के सामने बताओ कौन है? नहीं भाई। हाँ तो बता दो मुझे, उकसा रहे मैं बता नहीं बता दो। अरे मैं बता दूंगा इसमें बता, उकसाने हम ही नहीं, आप खुद ही कह रहे ना मैं किसान नेता, हमने नहीं पूछा, आप बताओ पूछ कौन है वो नेता? चौधरी कुलबीर सिंह आए। कौन है ये कुलबीर सिंह? अरे चौधरी कुलबीर सिंह कौन? झबरेड़ा वाले नाम ही नाम है यार। उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा डाल दिया। हाँ। एक किसान को ले जाके। हाँ। अब हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा, एक किसान का मुकदमा चल रहा, 13,000 किसान भाई, जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा उसका हाई कोर्ट से पैसा दिलवा दो। हाँ। हम 13,000 किसान तो सीधा डायरेक्ट मिल से लेंगे। अच्छा। अभी मैंने इसके ऊपर खिलाफ मुकदमा लिखवा था झबरेड़ा थाने में, झबरेड़ा थाने ने अखबार लगा दी कि किसान का कर्जा ही नहीं है मिल के ऊपर। मैंने फिर दोबारा मुकदमा कर दिया कि एक किसान का नहीं 13,000 किसान का है, हम और मुकदमा चला एक किसान का, तो हम तो सीधा जो बचे 12,999 किसान है। आप किसानों की इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं यानी कि ढंग से? मैं तो लड़ रहा हूँ, आप तो आप जानते नहीं मेरा प्रदेश अध्यक्ष बनोगे कहीं ना कहीं आ गए आप? क्यों प्रदेश अध्यक्ष का लालच नहीं मुझे? और लालच होता था बहुत कैसे छोड़ता मैं? लालच नहीं है मतलब? लालच नहीं है, किसान की लड़ाई है, दिल से लड़ी लड़ाई। आप एक आम किसान के घर जाके देखो, एक भैंस बंद रही कोठे में प्लास्टर नहीं है। अच्छा एक चीज आज चौधरी साहब पूछनी जरूर है आपसे, बोलो ना आप भी किसान है और भी यहाँ पर काफी किसान है, कई लोग नीचे ना जब सोशल मीडिया पे न्यूज चलती है नीचे कमेंट्स कर देते हैं, अरे यार ये काहे के किसान है, किसान तो बेचारा वो है जो दिन रात मजदूरी कर रहा है, ये तो
रसूखदार हैं, गले में चैने हैं, बड़ी बड़ी मूछे रख के चलते हैं ठाट की तरह, बाहुबली की तरह, इस तरह से बोलते हैं लोग, उन लोगों के क्या जवाब है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहा, मेरे बेटे की शादी फॉर्चूनर आई थी, चल रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन मैं किसान हूँ। किसानों का धरना चल रहा है और बोल रहे हैं जब तक कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिलेगा ये धरना खत्म नहीं होगा। हमारे साथ इस समय युवा जी, कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं हरिद्वार में, अगर आज हमारी बात नहीं मानी जाती तो कल काले झंडे भी दिखाए जाएंगे मुख्यमंत्री को, और हमने पहले भी दिखाए और बात मनवाई, बोल रहे झंडे भी दिखा देंगे काले, इसके लिए भी चेतावनी दे डाली है सरकार को।